जय हिंद दोस्तों, स्वागत है डीएल क्लासेस में। दोस्तों देखिए, एसटीटी पे जो है कुछ हलफनामा दायर हुआ है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये है कि एसटीटी 2019 पात्रता परीक्षा के साथ साथ एक प्रतियोगिता परीक्षा के तौर पर ली गई थी, फिर भी कुछ हमारे दिव्यांग साथी के द्वारा पात्रता परीक्षा मान रहे हैं। इसके लिए दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 82 के अंतर्गत कुछ हलफनामा दायर किया गया है। देखिए बनाम ये है कि प्रकरण दिया हुआ है एसटेट 2019 परीक्षा में दिव्यांग अभ्यर्थी को 40% अंकों पर उत्तीर्ण करने के संबंध में। देखिए ये रिपोर्ट में पेश किया गया 40% पर जो भी दिव्यांग है उसको उत्तीर्ण किया जाए। देखिए रिपोर्ट है, चूँकि उपरोक्त परिवाद पत्र आपके विभाग या संस्था के विरुद्ध समर्पित की गई, जिसकी संख्या 66/2021 है। समर्पित वाद पत्र में वादी द्वारा उल्लेख किया गया कि वाद एस्टेट 2019 पूर्ण परीक्षा ऑनलाइन दिनांक 9/9/2020 से 21/9/2020 तक दिया था, जिसका उत्तीर्णांक समान 50% दिव्यांग हेतु 45% अंक अनिवार्य रखा गया, जबकि बीटेट 2017 में उत्तीर्णांक समान 60% जबकि दिव्यांग के लिए 50% अंक पुराना निर्धारित था। बीटेट 2017 में दिव्यांग को समान से 10% का आरक्षण प्रदान किया गया था, जबकि एसटेट 2019 में दिव्यांगों को 10% आरक्षण किए जाने हेतु प्रार्थना किया गया था। उल्लेखनीय है कि दिव्यांग जन अधिकार 2016 की धारा 80 एवं 82 के अंतर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता बिहार पटना दिव्यांग जनों से अधिकारों व उपलब्ध सुरक्षा पायों से संबंधित मामले में समुचित प्राधिकारियों को निर्देशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है कि इसके निर्वहन में प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियों प्रदान की गई, प्रतिवादियों को उनकी उपस्थिति एवं जवाब दायर करने हेतु नोटिस निर्गत करे। उपयुक्ता अनुसार परिवादी द्वारा समर्पित परिवाद पत्र पर विचारोपरांत एतत् द्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि आप स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायालय राज आयुक्त निःशक्तता बिहार पटना पुराना सचिवालय सिंचाई भवन परिसर पटना के समक्ष दिनांक 16/4/2021 को समक्ष 12 बजे तक पूर्वाहा में जो है प्रश्नगत दावे के उत्तर देते उपस्थित हो। आप निर्देश दिया जाता है कि आप अपने बचाव के दस्तावेज अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो एक प्रतिवादी वादियों को उपलब्ध कराए। तो ऐसा मुद्दा एस्टेट में है कि जो है उन लोग अपना आरक्षण मांग रहे हैं, लेकिन ये प्रतियोगिता परीक्षा के तौर पे लिया गया था। दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, यहाँ पे किसी का भी कैटेगरी नहीं जो इतना मार्क आप लाइएगा तो पास होइएगा, ऐसा कोई जो है नहीं किया गया था। इसी के वजह से आप लोग को पता ही होगा जो रिजल्ट में भी कुछ गड़बड़ी हो पाई, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अपने तौर तरीके के अनुसार रिजल्ट दिया है। जो जितना भी बच्चा का रिजल्ट है कन्फर्म है कि उनका जो है बहाली होना ही होना है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और जो है कोरोना से बचते रहें और आप भी बचें और सबको बचाएं। जय हिंद जय भारत।